माँ क्या कर रहे तनु, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए जी, मन से पढ़ना साल नहीं। 1 अगस्त के वीडियो ऑन करो जी, देखो वो क्या है, फिर आलोक खेला खेली कर रहा है जी, आलोक बहुत पिटेंगे आपको। हम क्या पढ़ा रहे हैं सर, शर्ट्स पढ़ा रहे हैं। ठीक, अब शर्ट्स पढ़ा रहे बाबू, तो आपको टाइप्स ऑफ शर्ट्स पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे, टाइप्स ऑफ शर्ट्स पढ़ा रहे थे ना, टाइप्स ऑफ शर्ट्स। तो इसमें बाबू 6 गो टाइप ऑफ शर्ट्स पढ़ा चुके हैं, रोना नहीं बाबू, शैतान साल ने, है ना। सबसे पहले आपको क्या पढ़ा है बाबू, प्योर शर्ट्स, मिक्स शर्ट्स, यही सब बताए थे ना जी। अगला जो आपका बाबू कौन सा है, कंजुगेट शर्ट्स, कुछ नहीं होता बाबू, है ना। शर्ट्स में आपको बताया था भोला कुछ नहीं होता, जब भी ये सन का सिंबल देख लो भोला ई वाला, तो इसको क्या कहना आपको, रेडिकल साइन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शर्ट्स कहते हैं। अब यहाँ पे तीन चीज होता है, देखो यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसको रेडिकेंड कहेंगे, यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसको ऑर्डर ऑफ शर्ट्स कहेंगे, और बाहर पे नंबर जो रहेगा, यहाँ पे जो नंबर रहेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कोफिशियंट कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, कोफिशियंट कहेंगे ना। तो और ये जो सिंबल है, ये वाला जो चम्मच टाइप का सिंबल है, इसको हम लोग रेडिकल साइन कहते हैं ना। तो इसी सबसे रिलेटेड हमको क्या करना है, सीखना है ना, क्या क्या होता है ना, क्या क्या होता है, इसी को समझना। तो अगला जो टाइप ऑफ शर्ट्स है भोला मेरा कौन सा, कंजुगेट शर्ट्स है। कंजुगेट शर्ट्स किसको कहेंगे सर, कंजुगेट शर्ट्स किसको कहेंगे, है ना। यदि दो शर्ट्स बाबू किससे सिर्फ डिफर है, प्लस माइनस साइन से, है ना, दोनों पहचानने एकदम आसान है। दो गो शर्ट दे रहेगा और दोनों के बीच में क्या अंतर है, सिर्फ प्लस माइनस, दोनों जुड़वा रहेगा, अरे एक शक्ल सूरत से क्या रहेगा, एकदम सेम रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, एगो में प्लस रहेगा दूसरा में क्या रहेगा, माइनस रहेगा, तब हम उसको क्या कह देंगे, कंजुगेट शर्ट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, कंजुगेट शर्ट्स। और कंजुगेट शर्ट्स को जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको हमेशा एक नॉन शर्ट्स मिलेगा, मतलब कोई रेशनल नंबर मिलेगा, है ना। कैसे बताते हैं, पहले कंजुगेट शर्ट से, है ना, क्या होता है, देखो जैसे ई एगो शर्ट है सर, √3 + √2, और ई भी एगो शर्ट है, ये दोनों क्या आपस में शर्ट है, दोनों क्या आपस में शर्ट है, एक शर्ट ये हो गया, दो टर्म है ना, तो बाइनोमियल हो गया। यहाँ शांति समझते चलना, यहाँ भी दो टर्म है तो क्या है, बाइनोमियल दोनों है। तो अगर दो गो बाइनोमियल शर्ट किससे सिर्फ डिफर रहेगा, सिर्फ प्लस माइनस से, बाकी हर एक तरह से शक्ल सूरत एकदम सेम रहेगा, है ना। ये क्या रहेगा डिफर, सिर्फ प्लस माइनस, देखो यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, दोनों अंतर क्या, एगो में प्लस है एगो में माइनस, है ना, एगो में प्लस एगो में माइनस। तो ऐसे सर शर्ट्स को क्या, हाँ ऐसे शर्ट को हम लोग क्या कह, ऐसे शर्ट को हम लोग क्या कहेंगे, कंजुगेट शर्ट्स। लक्ष्मी कैमरा डाउन करो, ये कौन अदिति, कैमरा डाउन करो जी, ये यानी दोनों उठ, हाँ बाइनोमियल बाइनोमियल है, ठीक। अदिति राजदीप वीडियो ऑन करो, ठीक। तो तो सर कंजुगेट एंड शर्ट, क्यों लगा है बीच में? ई एगो अलग शर्ट हो गया, आई एलोग अलग हो गया, ई एक शर्ट हो गया और ये एक शर्ट हो गया, तो ये दो गो शर्ट हो गया, तो ये पहला शर्ट ही दूसरा शर्ट, इसीलिए बीच में क्या लगा दिया, एंड लगा दिया। तो ये शर्ट और ये शर्ट दोनों सेम है कि नहीं है, यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, खाली कैसे डिफर है, प्लस माइनस है, एगो में प्लस रहेगा तो एगो में क्या रहेगा, माइनस रहेगा, है ना। तो ऐसे शर्ट को क्या कहेंगे, कंजुगेट शर्ट कहेंगे, है ना, और कुछ डिफरेंस नहीं होता, कुछ नहीं होता, है ना, कुछ नहीं होता। जैसे यहाँ देखो √7, √8, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी √7, यहाँ भी √7, यहाँ भी √8, यहाँ भी √8, ये दोनों सिर्फ कैसे डिफर, खाली प्लस से माइनस से नहीं डिफर है जी। यहाँ पे देखो ई एगो शर्ट है सर, मन से पढ़ना बाबू साल नहीं, आई एगो शर्ट है, ये दोनों है सर, लेकिन दोनों तो शक्ल सूरत सेम है ना, खाली कैसे है, एगो में माइनस है एगो में प्लस है ना। तो ऐसे शर्ट को क्या कहेंगे, कंजुगेट शर्ट, क्या कहेंगे, कंजुगेट शर्ट। और कंजुगेट शर्ट को जब भी मल्टीप्लाई करोगे ना, तो रेशनल नंबर आएगा, मल्टीप्लाई करके बताते हैं, ई शर्ट्स को मल्टीप्लाई करो और ई शर्ट्स को मल्टीप्लाई करो, ये एक अपना ये शर्ट्स हो गया, एक अपना क्या हो गया, ये वाला शर्ट्स हो गया, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर आएगा, कैसे बताते हैं, अभी बताते हैं, ठीक। तो वही दूसरा लाइन लिखा है, कंजुगेट शर्ट्स है वो, म्यूट करो जी, किसका म्यूट है वो, किसका म्यूट, किसका म्यूट है, इसका नेक्स्ट बाबू, सर मेरा तो म्यूट है। अच्छा ठीक है। तो वही लिखा है, कंजुगेट शर्ट्स आर द बाबू शर्ट्स बाबू भी चार मल्टीप्लाइंग बाबू गिव द गिवन शर्ट्स, है ना, कन्वर्ट इनटू नॉन शर्ट्स। कंजुगेट शर्ट्स को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो सर है ना, ये आपका चम्मच गायब हो जाएगा, ये जो है ना चम्मच गायब हो जाएगा, कैसे बता रहे हैं, अगला बता रहे हैं ना, नेक्स्ट पहले समझो। यहाँ देखो √3, 3√5, यहाँ भी 2√3, 3√5, दोनों सेम है कि नहीं शक्ल सूरत से, है ना, हर एक हिसाब से सेम है ना जी, हाँ सर हर एक हिसाब से तो सेम है, कैसे, अरे मेरे लाल जहर खा के नहीं मरना, ई शर्ट, ये दोनों नंबर सेम है कि नहीं, कोफिशियंट भी सेम है ना, आपका क्या को ये शर्ट फैक्टर भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है, सब चीज सेम है, अंतर कुछ ही खाली सिर्फ हो रहा, किसमें खाली अंतर हो रहा है ना, किसमें खाली सिर्फ अंतर हो रहा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है, एगो प्लस है एगो सिर्फ क्या है, माइनस है, सर
तो ऐसे शर्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे, कंजुगेट शर्ट्स कहेंगे। ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, कंजुगेट शर्ट्स कहेंगे ना, कंजुगेट कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट यहाँ देख लो, जैसे यहाँ क्या है, रूट सेवन रूट एट, आई रूट एट माइनस रूट सेवन, ये दोनों सेम है शक्ल सूरत से, ये रूट सिक्स रूट सेवन, रूट एट रूट एट, तो यहाँ रूट सिक्स है यहाँ रूट एट है, यहाँ रूट सेवन तो सेम है ना, लेकिन रूट एट और रूट सिक्स नहीं ना बराबर है, तो इसको हम लोग यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, लेकिन खाली क्या हर एक चीज सेम होना चाहिए, खाली की अंतर नहीं, एगो प्लस रहेगा एगो माइनस रहेगा, तो यहाँ पे तो ये तो रूट सिक्स है यहाँ रूट एट है, तो ये कंजुगेट सर्ट नहीं होगा, ये क्या होगा कंजुगेट नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। ठीक, ने समझो, जैसे थ्री रूट टू है फाइव रूट थ्री है, ई एगो सर्ट हो गया, थ्री रूट टू फाइव रूट थ्री, आई एगो रूट सर्ट हो गया, तो थ्री रूट सेवन और फाइव रूट टू, तो यहाँ देखो ये दोनों सेम नहीं ना है, ना ये एगो में माइनस है एगो माइनस है, दोनों सेम सेम रहेगा, एगो प्लस होना चाहिए एगो माइनस, यहाँ दोनों क्या है सेम है, और सर्ट भी क्या है सेम नहीं है, सर्ट भी क्या सेम नहीं है, तो ये क्या हो गया कंजुगेट सर्ट नहीं है, कंजुगेट क्या करोगे कछुआ, अब इसको पिटाए पीछे क्या गप करने में लगी हुई जी, तो ये क्या हो गया कंजुगेट सर्ट नहीं होगा, कंजुगेट सर्ट नहीं होगा, है ना, ये आपको पहचानना। ठीक, कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ, क्या दिया हुआ, कुछ एग्जाम्पल दिया कि कौन सा कंजुगेट सर्ट है कौन सा नहीं है ना, देखो आपको पहले लिखना है, ठीक है ना, लिखना है क्या करा, भाट भाट इज द कंजुगेट सेट ऑफ रूट सेवन प्लस रूट थर्टीन, रूट ए रूट इलेवन प्लस रूट थर्टीन का कंजुगेट सेट क्या होता है, कुछ नहीं होगा, यही चीज बार लिख दो, क्या लिख दो, यही लिख दो, रूट इलेवन लिख दो और रूट थर्टीन लिख दो, हो गया, बीच यहाँ में प्लस, माइनस लगा दो। यहाँ प्लस है ना, हाँ तो यहाँ माइनस कर देना, हो गया, बस यही आपको कहाँ देता है पढ़े ला, नाइन में, किस में, नाइन में बता, है ना। नेक्स्ट बाबू, एकर कह रहा कंजुगेट सर, तो जो चीज बा वही लिख दो, अंतर मंतर जंतर, है ना, रूट सेवन और रूट इलेवन लिख दिया, यहाँ माइनस है ना, तो बीच में क्या दे देना, प्लस दे देना, हो गया, साइन अपोजिट कर देना, प्लस रहेगा माइनस, माइनस रहेगा प्लस, एकर लिख कह रहा, तो एकर रूट, रूट का कंजुगेट सेट वही हो जाता है, क्या हो जाता है, यही हो जाता है, यही हो जाता है ना, यही हो जाता है, मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं, अरे शैतान, इसको प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट जीरो लिख सकते हैं ना, हाँ सर, प्लस रूट माइनस जीरो लिख सकते, है ना सर, ना, इसमें माइनस कैसे ऐड करेंगे तो फिर? नहीं आएगा इसमें माइनस उनस नहीं होता, ठीक है ना, अगर सिर्फ खाली एक को नंबर दे ले है, संते ये रूट थ्री है ना, ठीक, तो इसका कंजुगेट सेट जो लिखोगे यही हो जाएगा, माइनस इसमें नहीं है, दो को रहेगा तब ना, एक को तो सिर्फ इसका कंजुगेट सेट यही हो जाएगा ना, यही हो जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा। ठीक, मतलब कि इसमें मतलब एक ही सर रहेगा, तब हमको कुछ नहीं ऐड करना है? नहीं ऐड करना, ठीक, नेक्स्ट बाबू, अगला तीन अगला समझ लिख लो इसको, तीन को जल्दी से लिख लीजिए, आगे पढ़ाते हैं, सर, एक लाइन का डांस लिख लीजिए, में बोले, है ना, नेक्स्ट बाबू, तो ये सब कुछ है, लक्ष्मी खाली रोते रहती है कुछ, सर। हाँ लिखो जल्दी से, अब बहुत दिन से नहीं भेजे हो लक्ष्मी बाबू, मयंक म्यूट करो बाबू, या मयंक मोबाइल रोटेट करो जी, यार ना बाबू मोबाइल रोटेट कीजिए, ये सब शैतान खाली छोटे को डिस्प्ले में, मयंक बाबू, सर, स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर रूट थ्री कैसे हो सकता है? स्क्वायर रूट थ्री का कंजुगेट स्क्वायर रूट थ्री ए होता है, कैसे नहीं हो सकता, उसका थ्री ए होता है ना, कोई प्लस माइनस प्लस साइन ही ना है, तो इसीलिए सर, हम आगे तो माइनस लगा सकते हैं ना सर, आगे तो प्लस माइनस हो सकता है ना सर, तो आगे तो प्लस आगे रहेगा। प्लस माइनस होगा भोली, तो उसका फिर हम लोग बाद में करेंगे, है ना, माइनस रूट थ्री का अगर माइनस रहेगा तो उसको प्लस कर देंगे, है ना, प्लस कर देंगे। ठीक, आगे में तो वन और वन वाला तो वेरिएबल रहेगा, तो उसमें तो आगे माइनस डाल ही सकते हैं ना, थोड़ी ना ऐसे एजिटेशन लिख देंगे। नहीं इसके आगे माइनस नहीं डालेंगे, इसके आगे माइनस नहीं सर डालेंगे, है ना, स्क्वायर रूट गड़बड़ा, थ्री का तो नॉर्मल वैल्यू सर प्लस स्क्वायर रूट थ्री होगा। हाँ अरे तो प्लस बाबू यही स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर रूट थ्री ये होता है। ठीक, नेक्स्ट बोला, क्वेश्चन नंबर 293, अगर टू प्लस रूट थ्री है, 92 लिखे सर आप, टू लिखे अच्छा थ्री पढ़ रहे ठीक, टू प्लस रूट थ्री का कंजुगेट सेट क्या होगा, इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा, कंजुगेट हो जाएगा, तेरा मुंह तो जो नंबर है वही लिख दो, टू लिख दो और रूट थ्री लिख दो, बीच में प्लस है तो माइनस दे दो, बस हो गया 294, है ना, अरे तो सेवन बाबू माइनस रूट फाइव है, इसका कंजुगेट सेट बोलेगा,
तो जो है वही लिख देना, जो रहेगा वही लिख देना है ना, वही लिख देना। कितना 7 है और √5 है, कंजुगेट माइनस है तो इसका क्या कर देना, प्लस कर देना, क्या कर देना, प्लस कर देना है ना। दो कंजुगेट सेट को मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमेशा क्या आएगा, एक नॉन सेट आ जाएगा। कैसे सर? जैसे बोला बिना सर कौन सा थर्ड आ जाएगा एक बार आप? सेट वाला चम्मच गायब हो जाएगा। जैसे बाबू क्या है, 3 प्लस, जैसे मान लो √3 और √2 मल्टीप्लाई, आगे पढ़ाएंगे आपको, √3 - √2, ये दोनों सेट क्या है, कंजुगेट सेट है। ये इसका क्या कंजुगेट है, इसका ये कंजुगेट है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद एगो कोई नंबर आएगा, रेशनल नंबर आएगा, फ्रैक्शन वगैरह में है ना, लिखो फिर आगे इसको मल्टीप्लाई करो। कैसे करोगे जी बताते हैं। आपको एगो फार्मूला बताए थे, कब सर? a+b a - b, अलजेब्रा जब पढ़ाए थे। कंजुगेट का लिखा हुआ है, मत बताइए सर। तो वो यूज करना पड़ता है, a+b * a - b। अच्छा हल्ला मत करो। सर सांद्रो लिखो लिखो लिखो, समझाते हैं हम लोग। जान a+b और ए माइनस मतलब इसमें अलजेब्रा भी झूठा है सर। अलजेब्रा सब जगह सर आता है। इसलिए पहले से अलजेब्रा पढ़ा दीजिए। a+b a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² होता है -b² होता है, याद रखना। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी अच्छा वन ठीक है ठीक, हल्ला आएगा मत, सर, वन आएगा नहीं लाइन क्यों छोड़ो। सर, a² - b² का फॉर्मूला क्या होगा सर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² है ना। इसको लिखो, हम इसी फॉर्मूला पे यूज करेंगे भाई। आंसर वन आएगा अच्छा सो ठीक है वन बताते आएगा। हैं। अच्छा ठीक है, देखो बाबू कैसे सॉल्व करना है। सालने से ताना मयंक बाबू, कैसे आएगा वन? बता रहे हैं ना जी। देखो ये दोनों आपस में क्या है सर, कंजुग, अब शांति से सुनो 5 मिनट, दोनों कंजुगेट सेट है सर। कैसे सर, √3 √3, √2 √2, सेम ऐसा कब सूरत, एगो प्लस एगो माइनस, तो कंजुगेट सेट है। तो कंजुगेट सेट को जब भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको क्या आएगा, एक और रेशनल नंबर आएगा। कैसे है ना बाबू, देखो ये किस फॉर्मेट में, a+b और a - b के फॉर्मेट में है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये बाबू अलजेब्रा लगाओगे तो √3 को a मान लो और √2 को b मान लो, तो ए हो गया और बी हो गया, फिर √3 को ए माना है और √2 को क्या माना है, बी माना है। तो क्या हो गया, a+b, आलोक मन से पढ़ना जी, और a - b, a+b a - b, फार्मूला क्या होता है, a² - b² है ना। तो इसी में भोला क्या लिखोगे बाबू, हमने क्या माना है ना, लेट ऐसे कर लो, लेट ए बराबर कितना मान लो √3, और बी बराबर क्या मान लोगे √2, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, √3 √2, यहाँ पे √3 - √2, यहाँ पे रखो ना, √3 + √2 और √3 - √2। तो ये जो फार्मूला बनेगा भोला है ना, ए बराबर √3 माना जी, और बी बराबर क्या माना, √2 माना है ना। तो ये कौन सा फॉर्मेट, a+b a - b का फॉर्मेट, तो ये किसका फॉर्मूला था, a² - b² मतलब एक जगह क्या रखेंगे, √3 रखेंगे, एक जगह √3 रखना और ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर देना है ना, समझना जी। माइनस बी के जगह क्या रखना, √2 रखना, बी के जगह क्या है, बी बराबर कितना माने, √2 माने हैं, तो बी के जगह √2 रखना, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर देना, ठीक। नेक्स्ट, अब √3 का स्क्वायर है ना, √3 का स्क्वायर ये क्या होगा जी, तो आपको बचपन में पढ़ाए थे भोला, याद करो √3 को क्या लिख सकते हैं, ये √√3 को 3 का पावर 1/2 लिख सकते हैं, √√3 या नहीं है कुछ ऑर्डर तो कितना हो जाएगा, 3 का पावर 1/2 होगा ना जी। हाँ सर, ऊपर में पावर 2 है तो √2 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1,
ना, 2 के पावर 1/2 स्क्वायर रूट के बदले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो लिखेंगे ना, ऊपर पे पावर 2 है, 2 लिखो। नेक्स्ट, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगा, बचपन में सिखाए थे पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता। तो 3 के पावर 1/2 आई 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस 2 है, 1/2 है, तो 1/2 हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता। ठीक, नेक्स्ट बाबू, कट गया 3 2 2 और 2 2 कट गया, तो यहाँ 3 के पावर क्या बचा, 1 बचा, यहाँ पे 2 मर गया तो 2 के पावर 1, ये 3 - 2 कितना आ गया, 1 आ गया। तो एक तो तरीका ऐसे सॉल्व करने का, दूसरा तरीका बता रहे हैं मल्टीप्लाई करके, ये हो गया फर्स्ट मेथड। ये आसान होता, ये आसान होता। यहाँ पे आपको हम इतना कैलकुलेटिव समझाने के लिए नहीं, डायरेक्ट √3 का स्क्वायर ये 3 आ जाएगा। बताए थे पावर ऑर्डर सेम है ना जी, पावर ऑर्डर सेम है तो बाहर निकल जाएगा, ये √3 बाहर निकल जाएगा, तो वही डायरेक्ट 3 लिख दिया। ऐसे भी कर सकते हो, लिखो सेकेंड सेकेंड मेथड सर बताते हैं, सेकेंड मेथड बताते हैं, तो ज्यादा लिखो ना, समझाते हैं। एगो सुरभि नहीं है, सर ये सब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इन्वेंट किया था। असालनी बाबू यहाँ पे है टिकी हुई है, जल्दी लिखिए, समझाते बाबू। निखिल मन से पढ़ो बाबू, मयंक बाबू, अंशिका कहाँ चली, इस्ता बोले, सर इस्ता क्या गप करने में लगा, उसका सूढ़ी सा गप करता है बाबू, उठा बैठी करवा देंगे। काय उत्कर्ष का नाम देखिए क्या है। सर सब ऐसे करते रहते हो उत्कर्ष जी, फालतू का काम बाबू, अपना नाम से कीजिए, नहीं तो रिमूव कर देंगे काबर। स्वान भी उत्कर्ष अपना नाम से, लेजेंड, यही तो सर करते द रहना। लीजेंड, सर सर ये स्वान ने भी रखा है, प्रो स्वान गेमर नेक्स्ट, सर। अच्छा ठीक, हल्ला मत कीजिए। देखिए सेकंड मेथड कैसे करेंगे जी, स्वर्ण का नाम देख, अच्छा ठीक है, स्वर्ण का नाम देखिए, सेकंड पहले खुद का नाम देख। मेथड कैसे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो दो तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो सर a+b a-b के होल स्क्वायर पे फॉर्मूला पे बैठा दो, ये आसान होता। a+b a-b a² - b² एक जगह √3 रख दो, अब यहाँ भी √2 पावर 2, तो इस सीधे 3 बाहर निकल जाएगा। यहाँ से बाबू आप डायरेक्ट स्टेप स्किप कर सकते हो, यहाँ √2 पावर 2 सेम चीज है ना, तो 3 बाहर निकल जाएगा, यहाँ √2 पावर 2 यहाँ नहीं कुछ √2 है, पावर 2 है, तो यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, तो 3 - 2 कितना हुआ है ना। तो ये इतना आपको समझाने के लिए किया था है ना, यहाँ से √पावर सेम होता है तो वो नंबर को बाहर निकाल दो, बताया था ना ना। ठीक, तो डायरेक्ट एक लाइन में हो जाएगा। सेकेंड मेथड कैसे होगा, देखो सेकेंड मेथड में क्या जी, तो ये मल्टीप्लाई आपको करने आना चाहिए, इसका आगे बहुत यूज है ना। देखो सेकेंड मेथड कैसे मल्टीप्लाई करें, एगो अलजेब्रा में जो मल्टीप्लाई सिखाए थे उसी को यूज करना सर है ना, मतलब मिटा नहीं लिखी थी बोली, हाँ सर लिख लिए थे, सेकंड मेथड नहीं लिखी थी। तो सेकेंड मेथड आप बताएंगे ना, तब ना लिखोगे जी, तो तुम्हें क्या चावल, तुम दो को लिखिए खा लेना। जाओगी गप करने तो कैसे लिखोगे जी। देखो इसको मल्टीप्लाई करना, तो अलजेब्रा आपको मल्टीप्लाई करल बताए थे, शांति से समझना, पहले से भरोसा था से, अब लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, पहले शांति से सुनो है ना। नेक्स्ट भोला, इस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों टर्म के साथ, बचपन में यही सिखाया था ना, मल्टीप्लाई ये तो करना है जी, √3 मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई करो ये दोनों के साथ। ठीक, यस सर ये इजी है बल्कि। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट बाबू +2 है, फिर इसको मल्टीप्लाई करो ये दोनों के साथ, तो +√2, ये बचपन में अलजेब्रा में सिखाए थे ना जब बाबू छोटे को थे, √2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक बार इस टर्म को ये दोनों के साथ, एक बार इसको ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो सर ये तो आप रूट। कॉमन कर रहे हैं, बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल। हाँ बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल। ठीक, मैं आपको मैं लिखता वीडियो ऑन करो जी,
अब क्या करेंगे, रूट थ्री मल्टीप्लाई इसको इसके साथ करेंगे, रूट थ्री को रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई करो, रूट थ्री माइनस माइनस है माइनस दो, रूट थ्री को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे या रूट थ्री को इसके साथ करेंगे, रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट टू, ठीक। नेक्स्ट उसी जगह यहाँ पे करेंगे, आगे प्लस है प्लस दो, ऐसे भी कर सकते, रूट टू को इसके साथ करेंगे, रूट टू मल्टीप्लाई रूट थ्री, फिर रूट टू को इसके साथ, बीच में माइनस है माइनस दो, रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू। नेक्स्ट, अब रूट थ्री मल्टीप्लाई कितना होगा, यहाँ पे आपको सीखना, आगे आपको मल्टीप्लिकेशन थ्री पढ़ाएं। होगा थ्री देखो यहाँ रूट है ना, तो इसको हम लोग कैसे, यहाँ पे ऑर्डर सेम है, तो तीन मल्टीप्लाई तीन को अंदर लिख सकते हो, ये दो गो है और तीन मल्टीप्लाई टू, तो एक गो दो और रूट थ्री रूट टू कितना हो जाएगा, थ्री मल्टीप्लाई टू, अरे ये दो गो सेट से मल्टीप्लिकेशन में है, तो एक गो देना, आई थ्री मल्टीप्लाई टू कर देना, यहाँ पे प्लस है जैसे टू थ्री है, तो दो मल्टीप्लाई तीन लिख दो, आई दो गो सेट के बदले एक गो दो, यहाँ पे वो टू मल्टीप्लाई टू है माइनस है, तो दो गो लिखो और दो गो के बदले एक गो दो, है ना, टू मल्टीप्लाई टू। नेक्स्ट, थ्री मल्टीप्लाई थ्री, थ्री होता है, अरे बाबू यहाँ नहीं कुछ ऑर्डर, टू है यहाँ, टू है यहाँ, टू है यहाँ, टू है ना, सर, शांति समझते चलना, ये वाली लाइन वापस समझा दो इधर उधर ध्यान क्यों करते हो भोले। सर, इधर ही तो बैठी अच्छा ठीक है, देखो रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री है, तो तीन मल्टीप्लाई हूँ। तीन लिख दो कोई बात नहीं, और एक फिर गप करने लगे, थ्री मल्टीप्लाई थ्री कर देंगे और एक वो रूट चढ़ा देना, थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट टू कैसे लिखोगे, थ्री मल्टीप्लाई टू कर दो, पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तीन मल्टीप्लाई दो लिख दिया, एगो बाहर में रूट है ये गठबंधन चढ़ा दो, नंबर थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री लिख दो, अब बाहर वाला से एगो चढ़ा दो, जयमाला चढ़ा दो, हो गया खत्म। अब ये क्या थ्री मल्टीप्लाई थ्री, ऐसा शैतान गप करने में खाली लगी हुआ, कहती है कि फिर से समझा दीजिए, पीछे देखते रहती है बाबू। थ्री मल्टीप्लाई थ्री कितना होता है, थ्री का स्क्वायर माइनस, थ्री मल्टीप्लाई टू कितना सिक्स, प्लस टू मल्टीप्लाई थ्री कितना सिक्स, और टू टू मल्टीप्लाई टू सर कितना, टू का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये रूट सिक्स प्लस माइनस में ये प्लस में, तो मर जाता है यहाँ, पावर टू ऑर्डर टू, पावर टू ऑर्डर टू तीन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, माइनस यहाँ माइनस है माइनस दे दो, ऑर्डर टू पावर टू दो बाहर निकल जाएगा, थ्री माइनस टू कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, तो एक्सक्यूज मी ऐसे भी सर, कर सकते। हाँ बोले, नहीं सर आपने 3 × 3 करके 3 की पावर 2 क्यों चढ़ा दी, सीधा 9 नहीं लिख सकते लिख नाइन लिखोगे, हम इसलिए कि बाबू थ्री का पावर टू, क्योंकि ऑर्डर टू थे? था, पावर टू लिखे ऑर्डर टू पावर टू बाहर निकल गया तीन, इसलिए किया। सर कुछ टाइम दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, लिखे पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, टाइम दिखा रहा, जल्दी लिखो, जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन समझो। यस सर, अबरी शांति से सुनना है, अबरी इधर उधर करेगा तो बहुत पिटेंगे। सर ये वाला मेथड ही हम फॉलो करेंगे ना कोई सर, भी फॉलो कीजिए क्योंकि बाबू सर, अलजेब्रा में हमने पहले ही पढ़ लिया था इसलिए अच्छे से याद है। कहाँ चली अदिति बोले। हाँ कैमरा थोड़ा डाउन रखना, आपकी फ्रेंड का क्या हाल है अदिति, दोनों बाबू पढ़ रही मन से बाबू, ठीक ठीक है है, बोले, पढ़ा दिया करो बाबू उसको, रूट टू रूट थ्री नहीं बुझाता, जल्दी लिखे। नेक्स्ट बाबू, जिसको नहीं समझ में आया फिर 10 मिनट शांति से सुनना, अभी समझ में आ जाएगा, मैंने नहीं लिखा सर, जल्दी लिखिए। आप इसका बाबू बहुत इधर उधर करते रहते हो, खाली लास्ट खाली लाइन लिख लिया 1 गप करते रहते हो पापा से, किससे गप करते सर, हो, पापा से गप करते हो, किससे गप करते हो जी, को नहीं जल्दी बोलना, किसी लिखे जल्दी लिखे बाबू। का नहीं हुआ। देखो कैसे करना, जिसको नहीं समझ में आया फिर से एक बार सुनो,
सारे बच्चे का सेट्स का फिर कंप्लीट होना चाहिए, अभी इसमें प्लस माइनस ऐड कर ले सकते हैं, अभी तो टाइप ऑफ सेट्स बाकी है। 296 नंबर। टाइम्स जैसे अच्छा दिखा रहा है। ठीक, हल्ला मत करो, उसी पे ध्यान देना। √8 माइनस √7 है ना, या चला रूट कस्ता कुछ कर भी रहा कर, है। बहुत पिटे। रूट मान लो कुछ कर दो, 11/12 जो भी मैंने वो कर दो, है ना। ठीक बोलो। अभी इसका कंजुगेट सेट क्या होगा, इसका कंजुगेट सेट क्या होगा, √11 हो जाएगा, और इसका कंजुगेट सेट कितना, √12 हो जाएगा। कंजुगेट सेट क्या होता है, शक्ल सूरत सेम होता है, खाली साइन प्लस रहेगा माइनस कर देना, माइनस रहेगा प्लस कर देना, माइनस है तो यहाँ क्या कर देना, प्लस कर देना। अब शांति सुनो, बाद में लिखना जरूरत का सोड़ीसा। अब इसको कह रहा है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो दो तरीका है, एगो तो डायरेक्ट ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर बैठते हो, फर्स्ट मेथड। क्या कहता है, बचपन में फार्मूला बताए थे, नहीं बताए थे बाबू, ये बोला भोला है ना, मान ए लो बाबू स्क्वायर बचपन माइनस में, बी स्क्वायर हाँ आप ऐसे भी, ऐसे भी लिख होता सकते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताए थे, ए है। प्लस बी बताए थे और ए माइनस बी बताए थे, यही बताए थे ना। अरे ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी ए माइनस बी, यही करना आपको। ठीक, शांति समझते चलना। तो ये आपको कैसन फॉर्मेट में लिख रहा है, यहाँ ए है माइनस है बी है, यहाँ ए है प्लस है बी है, मतलब कुछ कुछ यही वाला चीज बा है ना जी, इसी साइड वाला है कि नहीं सर। एगो टर्म है, फिर यहाँ पे माइनस है, फिर दूसरा टर्म हो गया, अब फिर जो यहाँ है वही ये चीज है, फिर यहाँ रूट पर है तो वही 12 है, मतलब ये वाला जो फॉर्म है इस फॉर्म पे, इस फॉर्म पे वो, तो इस फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, ये वाला है। हम लोग मान लेंगे लेट बाबू, ए बराबर मान लो लेट, क्या कर देंगे, ए बराबर मान लो √8, अब बी बराबर मान लो कितना, √12 है ना। ठीक, यही मान लो, √8 को 8 ए मान लो, रूट बी को कितना मान लो, 12 मान लो। आप यहीं पे आपको थोड़ा सा खाली सोचना शांति से, है ना, हो जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक, देखो कैसे है, ए रूट ए को ए माना है ना जी, तो इसको कैसे लिख सकते हो, √8 बराबर कितना, ए है, हाँ अरे भोला √8 यहाँ पे है माइनस √12 है, यही दल है ना, मल्टीप्लाई √8 हो गया और √12 हो गया, यहाँ प्लस समझो शांति से। अब सोल्व करो, √a बराबर क्या माना है, ए माना है, और √b बराबर क्या माना है, बी माना है, तो ये कौन से फॉर्मेट में है सर, ए है और माइनस बी है, फिर रूट है बराबर ए माना है, आई रूट बराबर बी माना है, तो ए प्लस बी है, यही फॉर्मेट पे है ना। हाँ सर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या कर फॉर्मूला है, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या कर फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इतना बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर करेंगे माइनस बी स्क्वायर करेंगे, यहाँ नीचे लिखो चाहे यहाँ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, ठीक क्या कर फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या कर फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक, नेक्स्ट, अब ए बराबर क्या माना, वो वैल्यू रख दो, ए बराबर √8 माना है तो √8 हो गया, ऊपर में ए बराबर √8 माना है ना, हाँ सर, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर देना, माइनस बी बराबर क्या माना, √12 माना, सर ब्रैकेट में करके देना है ना स्क्वायर। हाँ बाबू ब्रैकेट में करके दे देना, बी में कितना है, √12 है, ऊपर में स्क्वायर है, स्क्वायर दे दो। नेक्स्ट, अब इसको चाहो तो स्टेप से सोल्व कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी सोच सकते हो, 2 2 है, यहाँ power 2 order 2, ये सेम चीज है, power 2 order 2, तो 8 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ power 2 order 2 तो 12 बाहर निकल जाएगा, बीच में माइनस है माइनस दे दो। बढ़िया अब ये तो बचपने में सिखाए थे, 8 - 12 कितना माइनस होता है चार माइनस, ये तो बचपने में सिखाए थे, इसका ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड कैसे करेंगे, शांति से सुनना है जी, मल्टीप्लाई करेंगे कैसे करेंगे, तो ये आपका आसान है, इसमें कुछ नहीं रहता है,
जो भी नंबर रहेगा उसका स्क्वायर कर दो, जो भी नंबर रहेगा उसका स्क्वायर कर दो, फिर बाहर निकाल दो, हो जाएगा। ये आसान है ना, डायरेक्ट इसको आप बोल सकते हो। इसका आंसर आप डायरेक्ट बोल सकते हो, मल्टीप्लाई करने वाला में आप। आसान है इसलिए ना सर, अभी आपने समझाया है। हाँ, मल्टीप्लाई करने वाला में क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। यही है √8 + √12, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है ना जी। √8 को मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों टर्म के साथ, √8 को किसके साथ करेंगे, ये दोनों के साथ, मतलब किसके साथ, √8 + √12, नीचे में माइनस है -2, सामने से माइनस है -2, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये √12 को ये टर्म के साथ, √8 + √12, है ना। ठीक बाबू, अब इसको अंदर में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, √8 + √8 √8 √12 को मल्टीप्लाई करो, √8 + √12, ये माइनस वाला बोला, √12 को इसके साथ सर मल्टीप्लाई करो। दोनों में प्लस प्लस दे दिए, √8 + √12, यहाँ पे √8 - √12 होगा। ऐसा ना समझो, नेक्स्ट वो √12 है, √12 को √8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक से -√12 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, √12 के साथ, √12 अब मल्टीप्लाई कितना, √12, अरे रूट ही अच्छा ठीक है, रूट ही रूट हो गए, √12 को इसके साथ करेंगे। नेक्स्ट बाबू, एक लाइन यहीं पे समझना, √8 * 8 कैसे लिखेंगे, दोनों नंबर है ना, तो 8 * 8 लिख दो, अब बाहर से जयमाला चढ़ा दो, चम्मच चढ़ा सर। दो। नेक्स्ट बाबू, 8 * 12, तो 8 * 12 लिख दो, आई दोनों के बदले एक के को लिख दो, माइनस √12 * 8 है, तो 12 * 8 लिख दो, मल्टीप्लाई है दोनों जी, अब 2 का square root का हटा के 1 को 2, 12 * 12 है, तो 12 * 12 कर दो, और दोनों को हटा के 1 square दे दो। नेक्स्ट बाबू, यहाँ यहाँ 8 8 है, 2 बार है, तो ऑर्डर 2 है, लिखिए अब आप लोग लिखो, यहाँ ऑर्डर 2 है, सारे में ऑर्डर कितना है, 2 है। सर बाकी का खुद हाँ सॉल्व कर ले, होमवर्क दे दीजिए। लिखिए, सेकेंड और थर्ड तो टर्म्स तो कट जाएंगे। हाँ काट जाएंगे, सेकंड थर्ड कट जाएगा, काज अंशु जिंदगी जी रही भोले, जल्दी लिखिए अंशु, सर जल्दी जिंदगी जी रहे हो जी, नहीं जीना, DIY सबसे सारा हाँ आंसर जल, एट अच्छा माइनस 12 आएगा, मतलब ठीक है, अच्छा -4। ठीक है। ये विक्रम कहाँ गया जी, विक्रम सर विक्रम गया कहाँ जी, उसका पार्टी सार्टी है का जी, तब माहौल सब माहौल शांत है कि। वरना इतना चपल चपल करता सर है। अभी तो यही था, कह रहा था मेरे 12 बहते। माहौल इतना शांत रहने का मतलब क्या है बाबू, जल्दी लिखिए, अच्छा तो दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है। सर हमारे क्लास वाले कुछ ज्यादा ही CID देखते हैं। नमन है, उत्कर्ष नमन, यस पालक सर। पालक कई बजे सुबह स्कूल जाता है जी, कई सर 7:30 में बजे उठाता है, अच्छा ये सर ये 6:45 में उठ जाता है सर। उसको 6 बजे उठाओ, और सुबह जोर सिखा रहे हैं दो तीन को के, जोर सर नहीं आ रहा, एडिशन इसको आता है जी। हाँ जी, सर अगला नंबर से सर ये सेकंड मेथड कीजिए, फर्स्ट मेथड नहीं, कार्ड है अच्छा बहुत। अल्लाह मतलब उसको जोड़ाता है जी, नमन उत्कर्ष नमन, यस सर। हाँ वही सिखा रहे हैं, 6 बजे उठा देना, तो उसको मम्मी कितने बजे उठती है बाबू, सर करिए वो तो उठे रहती हैं, पढ़ती हैं सर। सर हाँ बोला, इसीलिए आप प्रिशर भी उठाइए। अच्छा करिए ना। ओके सर। ठीक, ये शैतान गस्तिया ना, लत खो रही है शैतान, इतना हो पिटाई दिया जाए, स्क्रीन नीचे शेयर कर कट जाता है ना, नहीं दीजिए सर। जल्दी लिखिए, नहीं हाँ दे क्या रहा है किया DIY, सर क्यों मैंने?
क्यों बार बार रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग अथी करते रहता है, बैठल नहीं मन लगता तो यही करते हो। सर अब मत कीजिए, मैं नीचे वाला हाँ सेकंड मेथड लिख रही हूँ। सही सेकंड फास्ट खाली रब करेंगे। सर, नीचे छोड़ दीजिए। हाँ अच्छा बात ठीक थोड़ा है सा छोड़ छोड़। दीजिए। बता अभी कौन कौन खेलना बड़ा आते। हाँ सर मुझे तो सेकंड वाला समझ। आउट हो क्या कोई? फर्स्ट वाले से कर म्यूट दो करो, उसका। आउट हो क्या कोई? म्यूट करो जी। सर फर्स्ट मेथड मेरा मिटा दीजिए। सर हो गया आप लोग सर। कोशिश करो दोनों से बनाने का, इससे आपको कंसिस्टेंट। सर सर डीआईवाई है। टेस्ट सेकेंड में था, हाँ यूज जी कर सकता हूँ। नहीं दिख रहा जी। वाला नहीं दिख रहा हो सर। गया मैं सर, दिख रहा सब है। लास्ट लाइन लिख रही हूँ अरे शैतान आप लोग धर्म से। सर। आज मैं चाह रही थी मुझे बहुत। सर आपने कैसे बताया था जो ये कॉन्जुगेट थे उनको इंटू करने के लिए? ज्यादा गप करती है इसीलिए दिक्कत होता है इसका। दिमाग में कमी नहीं है, कंसंट्रेशन में कमी। नो सर, बस मैं एक ही चीज पूछ रही हूँ। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हो वैसे मल्टीप्लाई कर दो, फिर एगो स्क्वायर रूट चढ़ा दो दोनों नंबर पे। लाइनिंग आ रहा है। वही पूछ रही थी वो एक स्क्वायर रूट चढ़ाने का। वो थोड़ा सर आप कौन से मेथड कर सकते हैं, मुझे आपको कंफ्यूज लग रहा है। सर आपको सर कोई इसे दोनों मेथड से बनाना है दोनों से सर? बनाओ, सीख लो, दोनों से बनाइएगा तो सीख जाइएगा। सर पर पहला मेथड मेरे को इजी अच्छी लग रहा है। बात है, कोशिश करो, अभी आपको सीखना ना, फिर उसके बाद एग्जाम में तो अपना हथियार है, अपनाना ही है। सर आज बस 5 दीजिए ना सर। सर अच्छा ठीक है, हल्ला मत कीजिए। सर ये कौन है सर? अभी ना वो ₹1 और अब लेफ्ट कर दिया। कौन है यार अभी ना? एप्पल मोबाइल ₹1 और अब अच्छा ठीक है, हल्ला मत करो। सर कैसे करेंगे 300 को? सर 300 को ये भी सेम है, ये भी इजी है सर, इजी है, इजी है सर। स्क्वायर, दो का भी स्क्वायर हो दोनों जाएगा। मेथड से बनाना है ना? दोनों से करो बोथ मेथड हाँ बाबू, मीन आप लोग का मीनिंग बाबू। सर आज इतना ही बस। आप दो का बर्ड मीनिंग लिखोगे ना जी? हाँ सर वर्ड मीनिंग कितना नंबर बर्ड मीनिंग होगा जी? मैंने बोला बताओ पक्का सर, पक्का 3 सेंचुरी खत्म। अरे सर। 72,72 सर मैंने सारे सेवेंटी सर 73 नंबर सर 75 सर 75 और 75 सर 73 सर 75 सर अच्छा ठीक है, 75 सर अल्लाह मत। 73 अच्छा ठीक है, एको छोड़ दियोगे दूंगा बाबू लास्ट वाला। हाँ सर उसने छोड़ दिया होगा इसलिए बोल यस रही सर। है। आपने दसी दुआ तीत सिखाया था और एक और पढ़ाया था। उसके बाद भी लिखा है कांस्टेंट बाबू। मैं तो टू सीख नाइनटी रही सेवन हूँ टू नाइनटी एट को सर दोनों फर्स्ट मेथड से करना। मेथड से करो, सीखना है अभी आपको। कांस्टेंट अल्जेब्रा में पढ़े ना, वही है कांस्टेंट, ठीक है ना बाबू, जो चेंज नहीं होगा। जो अल्जेब्रा में हम लोग कांस्टेंट है वेरिएबल पढ़ते हैं, वही दो वर्ड है ना क्वांटिटी बाबू। डेट डज नॉट वैरी, जो वैरी नहीं करेगा। क्या लिख सकते हैं इसको? अ सर क्या क्वांटिटी जो चेंज नहीं करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। अ क्वांटिटी डजंट चेंज हाँ डज नॉट वेरी, डजंट चेंज लिख दीजिए सर चेंज। अच्छी बात है, वेरी करो चाहे चेंज करो। 76 नंबर, वेरिएबल।
ये वर्ड बहुत सर यूज होता है बाबू अलजेब्रा। बच्चा क्या हाँ जो स्क्वायर परिवार सर क्या बाबू, जो परिवर्तन सर हो, परिवर्तन ये म्यूट करो जी, जो परिवर्तन हो, तो ए क्वांटिटी डेट कैन बी चेंज बाबू, सर हो जो गया बात। चेंज हो, आ क्वांटिटी सर दैट कैन बी चेंज, दैट कैन बी कैन बी वैरी। सर डन सर इसका तो नाम ही वेरिएबल हाँ बाबू ये सॉरी अलजेब्रा का वर्ड है, आप लोग को आना चाहिए जिंदगी के साथ भी सर जिंदगी के बाद भी। हमको हाँ जी भी बोला नहीं बाय सर आपका टाइम अभी बाय होगा था। सर ठीक है ठीक नेक्स्ट सर है जय बाबू। यस सर गुड इवनिंग सर ऐसे तना भी आपका टाइम नहीं हुआ है, दूसरे बैच का बैच है बाबू। सर बर्ड मीनिंग गुड इवनिंग सर अली बर्ड मीनिंग लिख लीजिए, बर्ड मीनिंग लिख लीजिए। गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग बाबू। थैंक यू सर।